किसी जमाने में एक ब्राह्मण अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ रहता था। वो गरीब था, लेकिन अपनी पत्नी और बेटियों का अच्छी तरह से ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन अचानक वो मर गया। अब उस परिवार का लालन पालन करने वाला कोई नहीं था, लेकिन पड़ोसियों ने ब्राह्मण की पत्नी को कहा कि आप चिंता मत करें, हम आपको भूखे नहीं मरने देंगे। दूसरी तरफ एक सुवर्ण हंस के रूप में ब्राह्मण का पुनर्जन्म हुआ, तो उसने सोचा कि उसे अपने परिवार को देखने जाना चाहिए। हंस के रूप में ब्राह्मण ने जाकर देखा तो उसका परिवार लोगों से मांग कर खा रहा था। उसने अपनी पत्नी के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं तुम्हें हर रोज एक सुवर्ण पंख दूंगा, तुम उसे बेचकर अपने लिए खाना और कपड़े खरीद लेना। फिर हर रोज सुवर्ण हंस आता था और अपनी पत्नी को सोने का पंख देकर चला जाता था। 3 बीतते गए और देखते देखते ब्राह्मण की पत्नी धनवान बन गई और उसके मन में और लालच जागी। उसने सोचा कि अगर किसी दिन हंस ने आना बंद कर दिया तो उसने सोचा कि अगले दिन जब हंस आए तो वो उसके सारे के सारे पंख निकाल लेगी। जब दूसरे दिन वो हंस आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने उसे गले से पकड़कर उनके सभी पर निकाल लिए। हंस ऐसा करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन लालच से आंधी बनी उसकी पत्नी ने उसकी एक ना सुनी। ब्राह्मण की पत्नी ने पर निकालते समय देखा तक नहीं कि जैसे वो हंस की मर्जी के बिना पंख निकालती थी, वैसे ही वो सोने का पर एक साधारण पर बनता गया था। जब ब्राह्मण पत्नी ने देखा कि उसके हाथ में आए सभी पर सोने के नहीं बल्कि साधारण पर है, तब हंस ने बताया कि मैं बताना भूल गया था कि अगर कोई मेरी मर्जी के बिना मेरा पर निकालेगा तो वो सोने का नहीं रहेगा। इस बात पर भी वो लालचू ब्राह्मण पत्नी हंस पर चिल्लाने लगी और उस हंस को पकड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। कुछ हफ्ते में उस हंस को नए पर निकल आए, लेकिन वो नए पर सोने के नहीं बल्कि साधारण से सफेद पर थे। हंस ने सोचा कि अब वहां रुकने का कोई फायदा नहीं है और वो वहां से उड़ चला। इस तरफ उस ब्राह्मण की पत्नी के सारे पैसे खाने और कपड़े में खर्च हो गए और उसके पास कमाने का और कोई तरीका नहीं था, तो फिर से भीख मांगकर परिवार का खान पान चलाने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब दौलत मिलती है तब लोभ से दूर रहकर जो मिलता है उसका उपभोग करना चाहिए। ज्यादा कमाने या ज्यादा पाने की लालच का परिणाम भयानक हो सकता है।